अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब भाई? इंशाल्लाह उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। ले जी, आज दोस्तों आपको चौधरी सखर मोहम्मद भट्टी के जो कांटो वाले टैडी है ना, उस तरह का मेरा भी टैडी है, तो इसका मैं आपको शो करवाता हूँ। पहली धार का ये घर का पट्टा है और इसको ब्रीडिंग के लिए ही मैंने रोका हुआ है। माशाल्लाह ये बच्चा जब उठता था तो बड़ा ही शानदार उठता था और वापसी भी बड़ी अच्छी थी, पार जोर हड्डी हर चीज़ आउट क्लास थी। तो इसको मैंने ना ब्रीडिंग के लिए रोका हुआ, अभी तक इसको मैंने केज से बाहर निकाला, सिर्फ 3 कलियों तक ही उड़ा हुआ, उसके बाद से ही मेरे पास ही अंदर ही है केज में, और माशाल्लाह पूरा लैस हो गया। तो मैंने कहा चलें आज आपको ना ज़रा डिफरेंट कांटो वाला अपना टैडी जो है इसका ज़रा शौक करवाया जाए और इसके मुतालिक बताया जाए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रवास दी थी। और ये भी 2 भाई निकले थे, एक भाई का तो मैंने आपको पहले शो करवा दिया हुआ है, वो भी इसी तरह का, लेकिन वो ज़रा कलसरा कांटो वाला टाइप बना हुआ है और उसके पर भी ज़रा सिलाइयों वाले ज़्यादा हैं। और ये तो हू बहू लगता है कि चौधरी सखी जो है ना, उनके जो कांटो वाले टैडी उनसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ये बहुत ही ज़्यादा उसका कलर ना बिल्कुल उस तरह बनता जा रहा है। आए दोस्तों, मैं इसकी पहले आइज़ का शो कर रहा हूँ। ले दोस्तों, ये इसकी आइज़ का शो करें। माशाल्लाह आइज़ देखें पलकों में कैसे फिक्स हुई हुई है, और ये क्रॉसों में मैंने बनाया हुआ है टैडी और रेड आइज़ के क्रॉस में ही बनाई है मेरा कांटो वाला टैडी ना। और माशाल्लाह देखिए आइज़ इसकी कितनी रोशन है, और पलकों में बिल्कुल फिक्स है, और हल्की सी गुलाबी आइज़ का ये रेड आइज़ में ये कांटो वाला टैडी मेरा बना हुआ है। माशाल्लाह बड़ा ही शानदार है, स्ट्रक्चर भी इसका बहुत अच्छा है, और पर देखे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए इसका पर, माशाल्लाह इसके पर भी ये देखे बड़े पर तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट एक जितने। ये देखो जूम करना ज़रा पर पे, यहाँ पे ये देखिए ये तीनों पर इसके देखे माशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट तीनों एक जैसे, एक बराबर पर है। कहते हैं ना सूतर का भी फ़र्क नहीं मुझे लग रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट। और अभी भी ये खड़ीच में है, इंशाल्लाह खड़ीच में निकलने के बाद ये ज़रा और ज़रा निखर जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और अपने कलर्स में बहुत अच्छा बन जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह ये इसका पंदा है, कुंदा है माशाल्लाह। और ये देखिए ये दूसरी साइड का इसका कुंदा है, ये इसकी टेल है माशाल्लाह, टेल भी इसकी बंद है बिल्कुल। लेकिन अभी ये ना जारी बात है, इसने अब पार ज़रा नए निकाल रहा है तो इसलिए थोड़ी सी इस तरह हुई है, वरना बिल्कुल बंद टेल का है माशाल्लाह। पाँव भी माशाल्लाह जिस तरह मैं कहता होता हूँ बहुत तनमा पीछे उसी तरह है। हड्डी बड़ी मज़ेदार है इसकी माशाल्लाह, बड़ी हड्डी है, देखो पूरी ऐसे ऐसे कश्ती नुमा पूरी बड़ी हड्डी बनी हुई है। और ये साथ इसके जोड़ है, नीचे इसके तंग जोड़ है, ऐसे तंग बिल्कुल बंद नहीं है लेकिन तंग से जोड़ है माशाल्लाह, हाथ में पकड़ने का फील होता है। और बहुत मुलायम कबूतर है ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मुलायम कबूतर है। ये देखें ये इसका पूरा व्यू आप देखें माशाल्लाह, बिल्कुल ये चोई सा वाले कबूतरों में से लगता है कि आया हुआ है। तो मैंने कहा चलो यार आज इसका शो करवाते हैं। माशाल्लाह ये कलर बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह का बनाता जा रहा है, ये देखें बिल्कुल उस तरह का कलर बनाता जा रहा है, बहुत ही शानदार बन रहा है माशाल्लाह। और है मेल है, और इसको मैंने उड़ाया भी हुआ है, 3 कलियाँ तक तो उड़ाया हुआ है, उसके बाद फिर इसको मैंने रोक लिया था क्योंकि मुझे जो परवाज लेके अच्छे परफॉर्मेंस जो बच्चे करते हैं ना और वापसी बड़ी अच्छी होती है, तो उनको फिर ना मैं सोचता हूँ कि इन्हीं को ब्रीडिंग में लाना चाहिए। वैसे असूल भी यही है, पहले आप बच्चे को उड़ाएँ, उड़ाने के बाद आप परफॉर्मेंस देखें कि कितने घंटे बच्चा उड़ रहा है, 5-6-7 घंटे उड़ रहा है, उसके बाद उसकी वापसी देखें। ये चीज़ें देखने के बाद उसको हाथ में पकड़ें, उसकी पर जोर हड्डी हर चीज़ आप चेक करें, और आपको लगे कि अगर ये वाकई ब्रीडिंग के काबिल है और प्रवास बड़ी अच्छी, वापसी बड़ी अच्छी है, और हड्डी जोर पर हर चीज़ से बैलेंस है, तो फिर आप उसको ब्रीडिंग में लें।